दोस्तों धरना निरंतर चल रहा है और अपनी मांगों को लेकर धरने पे जरूर आइए। बहुत जल्द हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने जाएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और मैसेज का इंतजार करिएगा। आगे हम आपको दिखाते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। ओके। 800 करोड़ की जांच हो, 800 करोड़ की जांच हो, हमारी मांगे पूरी हो, इंकलाब, 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 800 करोड़ की जांच हो, मांग हमारी पूरी हो, ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, ये तानाशाही नहीं चलेगी, इंकलाब जिंदाबाद, पढ़ी उसके लिए हम अपने स्मारक परिवार से चाहूंगा संचालक महोदय के लिए बहुत जोर से तालियां होगा। साथियों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, चुनाव ऑफिसर महोदय भी जानते हैं, अगर नहीं जानते भी हो तो मैं मंच से बोल रहा हूं वो अवगत हो ले। हम राजधानी लखनऊ में जितने भी स्मारक बनाए गए हैं, हम लोग 5300 की संख्या में यही लखनऊ में ही वर्क करते हैं, काम करते हैं। यदि हमारी संख्या कभी कभी कम होती है तो ये ना जान ले कि कर्मचारी की संख्या यहाँ पे कम हो गई है। हमारे अध्यक्ष महोदय के एक आह्वान पे कर्मचारी यहाँ 5 मिनट में उपस्थित हो जाता है, इसलिए भी ये बताना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो ये ना समझे कि यहां पे मात्र थोड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित है। हम लोग जिस प्रांगण में धरने पे बैठे हैं, ये कर्म भूमि, ये कार्य भूमि भी हमारी है। हमें जब चाहोगे 24 घंटा अगर चाहोगे तो हम वो कर्मचारी हैं, 24 घंटे यहां 5300 कर्मचारी आपको मिल सकते हैं। और जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने कान फूक योजना चलाई है, अगर उनका आह्वान होगा जहां वो कहेंगे, जो भी तिथि निर्धारित करेंगे, जो भी समय निश्चित करेंगे, हम 5 मिनट के अंदर पूरे लखनऊ को भी काम करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हम अपने अध्यक्ष महोदय के उस ऐलान का इंतजार बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े विश्वास के साथ हम उन लोगों को याद कर रहे हैं। जिस दिन भी अध्यक्ष महोदय का ऐलान होगा उस दिन हम पूरे उत्तर प्रदेश कर्मचारियों के संगठन, जो स्मारक समिति परिवार को समर्थन मिला है, वो 13 लाख कर्मचारी जिस दिन हमारे अध्यक्ष महोदय का ऐलान होगा वो 13 लाख कर्मचारी सड़कों पर उतरकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने के लिए निकल जाएगा। जब निकलेगा तब वो स्थिति क्या होगी, क्या बनेगी, वो सीन क्या होगा, ये बताना जरा मैं
कठिन समझता हूं, क्योंकि 2014 में बगैर जो संगठन है पूरे उत्तर प्रदेश में, उनके समर्थन के बगैर ये 5300 कर्मचारियों ने 10-90 जाम करके एक इतिहास बनाया, वो इतिहास तो जरूर महोदय को याद होगा। जरूरत पड़ेगी तो उससे बड़ा भी इतिहास बनाने का हम काम करेंगे। इसलिए जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने 4 मार्च का जो समय दिया है, 4 मार्च तक हमारी इन मांगों का आदेश अगर निर्गत नहीं किया जाता है तो हम उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन भी हमारे अध्यक्ष महोदय का ऐलान होगा, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास पर टुकड़ियों टुकड़ियों में एक छोटा छोटा समूह बनाकर लखनऊ के अनेक गलियों से अनेक रास्तों से निकलेंगे और अगर हमें रोकने का प्रयास जहां भी किया जाएगा हम वहीं पर बैठकर पूरे लखनऊ को जाम करने का भी काम करेंगे। ये इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम आज 76 दिन से यहां भूखे प्यासे बैठे हैं, हम और हमारा परिवार इन 75 दिनों में अपने 7 परिवारों को खोया है। उनकी भूख ने, उनकी पीड़ा ने पूरे समिति परिवार को ये तो जरूर बता दिया है कि जिस तरीके से 7 परिवार जो हमारे बीच में आकस्मिक मौत का शिकार हुए हैं, उससे हमें एक सबक जरूर मिला है कि अगर हम अब भी अपनी मांगों को, जो ये हमारी मांगे हैं, ये मांगों को अगर हम नहीं मनवा लिए, नहीं पूरा करवा लिए, तो दिन दूर नहीं जो हमारे 7 कर्मचारी भाइयों के साथ हुआ है वही दिन हमारे लिए भी आने वाले हैं। इसलिए हम चाहते हैं ये जो हमारी 12 मांग है इसमें कोई ऐसी जटिल मांग नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूरा ना कर सके। हम इसी आशा और उम्मीद के साथ यहां पे बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जहां भी जाते हैं और जिस भी जनसभा को संबोधित करते हैं तो सबसे पहले उनकी एक आवाज होती है, एक ही नारा होता है, वो नारा होता है कि भ्रष्ट अधिकारी हो चाहे भ्रष्ट गुंडे हो, कान खोल कर सुन लो, अगर भ्रष्टाचार कोई करता हो उसको अगर भ्रष्टाचार करना है तो हमारा बुलडोजर तैयार है, ये बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। और ये इतिहास भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बनाया कि जितने भी गुंडे थे या तो फिल्मों में छुप गए या तो इस भारत की धरती को छोड़कर भाग गए। तो हम भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी जो 12 समस्याएं हैं उसमें एक मांग ऐसी है कि हमारे वेतन से 10% की कटौती करके 800 करोड़ का गबन किया गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गबन करने
वाले अधिकारियों पे आपका बुलडोजर कब चलेगा? हम इसी आशा और उम्मीद के साथ यहाँ बैठे हैं। 500 करोड़ की जांच हो, जांच हो, स्मारक अनुरक्षण की भी जांच हो, जांच हो, स्मारक अनुरक्षण की भी जांच हो, जांच हो, भ्रष्ट अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, भ्रष्ट अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आवाज दो, हमें कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो, हमें कर्म, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मांग हमारी पूरी हो, चाहे